उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एसएसपी बबलू कुमार के निर्देशानुसार जनपद से अपराध नियंत्रण व अपराधियों के खात्मे को लेकर 24 घंटे में दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना कागलेडी प्रभारी जितेंद्र कुमार थाना क्षेत्रीय कैलाशपुर पेट्रोल पंप पर चेकिंग कर रहे थे। सहारनपुर की ओर से दो युवक मोटरसाइकिल पर आते नजर आए, जिन्हें रोकने का इशारा किया तो लेकिन बिना रुके मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। इस पर थाना कागलेडी जितेंद्र कुमार द्वारा वालेज से चेकिंग के लिए बताते हुए बदमाशों का पीछा किया। सूचना मिलते ही स्वाट टीम प्रभारी संजय पांडे पूरी टीम के साथ थाना कागलेडी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने टीम के साथ उगराऊ गांव के पास मोर्चा संभाला, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा को चलाई गई गोली में एक बदमाश अनिल कुमार पुत्र बनवारी घायल हो गया। वहीं बदमाश द्वारा फायरिंग में एसआई धीरज सिंह भी गोली लगने से घायल हो गया। अंधेरे का फायदा उठा एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। देखिए, आपकी जानकारी लेना चाहूँगा, ये मेन रोड का थाना गागलेडी जहाँ पे पेट्रोल पंप पे चेकिंग की जा रही थी, ऐसे स्वयं चेकिंग में थे तो ये बदमाश आते हुए दिखाई दिए, और जब इन्होंने रुकने का इशारा किया थाना अध्यक्ष ने तो इन्होंने उगराहू रोड पर अपनी गाड़ी मोड़ दी, जिसमें कि चेस करने पर आपस में फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका नाम अनिल बताया जा रहा है। ये 10,000 का इनामी है और पुराना वांछित है, ये पूर्व यूपी का रहने वाला है, परंतु वहाँ से अपराध कारित करने के बाद यहाँ पर छुप करके रह रहा था और सहारनपुर में भी लगातार अपराध कारित कर रहा था। जी हाँ, एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है।